अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें जो बंदे इस तरह की जो हमारे लीडरान हैं पाकिस्तान के, जो अजीम लीडर हैं, वो जब इस तरह कहते हैं तो फिर जो है उनको नवाजा जाता है। ये देखें, आइन बनता है टूट जाता है, फिर आइन टूटता है उसके बाद मुल्क टूटता है। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं। जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। उसने पाकिस्तान तोड़ा, क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपनी डोमेन में क्यों नहीं रहते? क्यों पाकिस्तान के एक जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी उसको फांसी के तख्ते पे लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया उसको बदर कर दिया। आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारी जर्नैलों से नहीं बनती थी, मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता जब उसको अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझो। देख लिया भी ये जबान पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाक आर्मी के खिलाफ और जनरलों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। और ये देखिए, पाकिस्तान की तारीख में कोई एक और ऐसा बंदा निकाल के दिखाएं जो इतनी गंदी जबान पाक फौज के खिलाफ और पाकिस्तानी जनरल्स के खिलाफ उसने की हो और बातें की हो इस तरह की, तो वो दिखाएं, वरना फिर जो है इनके साथ वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई? इतने सालों से इतनी दफा इन्होंने ये किए तो उनके साथ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये देखिए, इसमें कोई तो चक्कर है, दाल में कोई काला है, क्योंकि ये ढील वाले हैं, ये ऐसे नहीं, फिर इनको ढील भी मिलती है। ये कहते हैं ना, जो मजामत करोगे तो मफामत होगी, ये वही लोग हैं। तो यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।